बोल के लब आजाद हैं तेरे, जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए तो एक आवाज वो भी गूंज उठती है। Our next awardee tonight has made sure that women have a presence at all places where decisions are being made. बिल्कुल जी, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से लेकर वुमेन्स रिसोर्स सेंटर तक, she has made her voice heard on all platforms. She embraced equality by raising her voice for women. This award is brought to you by ALPAS, and to present this award, please welcome Mr. Ruhul Alam Siddiqui, High Commissioner of Bangladesh. आए देखते हैं हमारी लीडर का empowering सफर। खावर मुमताज का मानना है कि एक फाल माशरा और खवातीन की कायदाना सलाहियतें मिलकर खवातीन के हुकूक यकीनी बना सकती हैं। वो एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं और विमेन एक्शन फोरम के अव्वलीन अराकीन में से हैं, जिनकी बुनियाद खवातीन के खिलाफ कवानीन को रद्द करने के लिए खवातीन के मसाइल सियासी और कानूनी पॉलिसियों में उजागर करना और पाकिस्तान में खवातीन के लिए बराबरी की सतह पर इख्तियारात के मुतालबे पर रखी गई थी। खावर मुमताज नेशनल 2013 से 2019 तक कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं और खवातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शिरकत गाह की CEO भी रह चुकी हैं। वो कौमी और बैनुल अक्वामी इदारों के बोर्ड्स पर जिम्मेदारी निभाने के अलावा खवातीन की यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट्स का हिस्सा और काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की चेयर ऑफ द सेनेट भी रह चुकी हैं। 1989 में खावर मुमताज ने बतौर को ऑथर अपनी किताब वुमेन ऑफ पाकिस्तान टू स्टेप्स फॉरवर्ड वन स्टेप बैक के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड भी हासिल किया। इसके अलावा भी 60 से जायद पब्लिकेशंस भी इनके क्रेडिट पर हैं। खावर 2005 में सितारा इम्तियाज हासिल कर चुकी हैं और दुनिया भर की उन 1000 खवातीन में से हैं जिन्हें इसी साल अमन के नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद किया गया। हम के लिए खावर मुमताज को एक लीडर और पाकिस्तान में खवातीनों के हुकूक के लिए एक जानदार आवाज के तौर पर अवार्ड पेश करना काबिले फखर है। Ms. Khawar couldn't join us today, so on her behalf, I would like to request Ms. Amina Sayed to receive the award. आज मैं बहुत ममनून हूँ हम टीवी की कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना और मैं इसकी शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मुझे अवार्ड मिला है इसके पीछे बहुत सारे सालों का काम है, लेकिन सिर्फ मेरा अकेला काम नहीं है, ये काम मेरे साथियों का भी हो, ख़ास तौर पे शिरकत का औरतों की जो तंजीम है जो औरतों के हकूक के लिए और उनकी उनकी तरक्की के लिए काम करती है, उन उस पूरी शिरकत गाह की तंजीम में जो मेरे साथी थे उनके बगैर मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। और बहुत खुश हूं कि ये ऐसा मौका आया है और इस तरह के मौक़ों से और दूसरी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी इसी तरह बेलॉस काम करें तो उसका नतीजा ज़रूर मिलता है, उसका इनाम भी ज़रूर मिलता है। हम अवार्ड की टीम का भी, उनकी ज्यूरी का भी, उनका जो भी तरीक़ाकार है उसका भी, कि वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को सामने लेके आते हैं और उनको एक इज्जत देते हैं। कंग्रेचुलेशंस मिस खावर।